हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। पाक सिब्बल रिएक्शन में आप सबका स्वागत है, मैं आपको मरी है हाशिम। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, वो है व्हाई डू हिंदूज बरी चाइल्ड आफ्टर डेथ। इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है बड़ी, के बच्चा जो है, बाकी सब कुछ जाते हैं, बच्चे को जमीन में क्यों, लाइक उसको बरी क्यों करते हैं, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जहां दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद लाश को दफनाया जाता है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया जाता है? अगर नहीं तो हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। नमस्कार, और द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, नवजात शिशु या फिर सन्यासियों को जलाने के बदले दफनाया क्यों जाता है? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कितने उम्र के बालक या बालिकाओं को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर यदि जन्म के बाद 2 वर्ष तक की उम्र के किसी बालक या फिर बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए, और इससे अधिक उम्र के ही मनुष्यों की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में मनुष्य जब जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया में बनता जाता है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वह उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक मृतक के शरीर को जला ना दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने की बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और जब ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम चले जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसकी माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त वह दूध का दान करें या फिर जितने महा शिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी भी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना दान करता है उतनी जल्दी ही उस बच्चे की आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से ये भी कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है
तब उसके परिवार वालों को चाहिए कि वे जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दें। तत्पश्चात उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम उम्र के बालकों और साधु सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। अगर समझ में आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा करें। और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दफनाते हैं। वीडियो थी, इंटरेस्टिंग था कि वो आत्मा मतलब सबको जलाते इसलिए कि उनकी जो आत्मा है वो छोड़ती नहीं है, जिस दोबारा आने की कोशिश करती है। मूवीज वगैरह में भी हमने देखा है कि जब अंतिम संस्कार नहीं होता तो वो जो है वो उद्वाही आत्मा भटक रही होती है। अच्छा, ये भी सीन है कि वो जब पूरी जल जाती है तो उसकी वो जो राख होती है ना, उसका गंगा जल में बहाते हैं, बहा देते हैं गंगा जल में बहाते हैं। वो भी वीडियो मैंने की हुई है, अस्थि विसर्जन जो है गंगा में क्यों बहाते हैं, वो वीडियो मैंने की हुई है, वो जाकर वीडियो देखना। और उसमें बहाते हैं, फिर उसमें चीज़ें वगैरह ऐड करते हैं, सारा कलेक्ट कर के फिर वो एक जो बनता है पूरा अस्थियाँ उनको बहाते हैं। तो रही बात इसकी 2 साल की, तो देखो मैं रिलीजन तो चेंज नहीं कर सकता उनके रिलीजन में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि 10 साल की उम्र तक बच्चे के 10 साल की उम्र तक बच्चे में कोई इतनी वो बुराई होती नहीं है, बुराइयां वो कर ही नहीं सकता 10 साल की उम्र का बच्चा, छोटा होता है ना। चलो 8 साल ले लो, 8 साल बिल्कुल बुराइयां वो कर ही नहीं सकता, मासूम होते हैं बच्चे, 6-7 साल 8 साल क्या उम्र होती है। तो इनको भी दफनाने का मुझे लगता है सीन होना चाहिए। बाकी मैं रिलीजन बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ रिलीजन की, उनकी रिलीजन में 2 साल तो वो 2 साल ही करेंगे। लेकिन अगर वो लॉजिक उन्होंने ये दी हुई है ना कि वो 2 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो समझ बूझ नहीं होती और वो आत्मा को उससे लगाव नहीं होता, तो मुझे लगता है कि 6-7 साल 8 साल में भी बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, वो बुराइयाँ नहीं करता, तो ये सीन भी हो सकता है। लेकिन 2 साल है तो अब रिलीजन का तो उन्होंने फॉलो करना जाहिर है, अब वो लिख दिया हुआ है उनकी बुक में। तो ये हमारे थॉट्स थे जो हमने शेयर किया एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम जो हम मतलब समझते हैं। आप लोग भी इस्लाम के बारे में कुछ चीज़ें जो जानते होंगे और आप उसमें कहते होंगे कि इस तरह हो सकता है, तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं। बाकी चेंजेस हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और अब समझ आ गया कि बच्चों को क्यों करते हैं और बाकी सबको क्यों जलाते हैं कि वो आत्मा जो है वो उसको जो शरीर है वो छोड़ के चली जाए, क्योंकि जब बच्चे का ही नहीं तो वो किसके अंदर आएगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें। 1 2 3